नमस्कार प्रणाम राम राम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हमारी दिन की शुरुआत एक नई जगह पर हुई, नए लोगों के बीच हुई है और नई संस्कृति नई सभ्यता के बीच हुई है। दोस्तों हम अपनी ट्रेवल में विदाउट मनी ट्रेवल करते हुए हम प्रेजेंट में नागौर डिस्ट्रिक्ट के मेहता में हैं और अब यहाँ से हम चलेंगे चोटिला पाली, वहाँ पे ओम बन्ना जी के गाँव, उसके बाद जोधपुर की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जो कि रात को यहाँ पे ठहरे थे तो हम अपना बैग पैक करके रेडी हो चुके हैं, तो अब अपना लगेज लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। फिलहाल चलेंगे, पहले खाना खाएंगे इंदिरा रसोई पे, बस स्टैंड पे जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे, उसके बाद आगे जर्नी करते हैं। तो चला जाए यहाँ से पहले दोस्तों। धर्मशाला से निकल गए हैं और चल रहे हैं बस स्टैंड के पास इंदिरा रसोई में, खाना खाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें 12 बज गया है, दो वीडियो एडिट करना था जिसमें हमें टाइम लग गया है। हमारी थाली आ चुकी है, ये सब्जी दाल अचार और रोटी जो कि ये है, तो अब खाया जाए उसके बाद आगे चला जाए। भूख लगी है, दोपहर भी हो चुके हैं, नियर अबाउट 12:30 बज रहे हैं और हमें यहाँ से जर्नी करनी है करीब 160 किलोमीटर के नियर अबाउट है, तो जल्दी से खाया जाए और जल्दी से निकला जाए। दोस्तों मेरता से सिटी से बाहर जोधपुर वाले रोड पे ये भैया ने लिफ्ट दिया है, इन भैया के द्वारा हम जोधपुर वाले रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम जोधपुर के लिए जाएंगे, जोधपुर से फिर बन्ना जी के गाँव जाएंगे, क्योंकि जोधपुर सीधा पड़ रहा है और जो चोटिला जो है कि मतलब ओम बन्ना जी के गाँव हम जाएंगे पहले, तो ज़्यादा घुमाव पड़ जाएगा, लोग बता भी रहे हैं और नेट पे देखें तो हमें भी यही लग रहा है, तो हम सोचे हैं कि अब सीधे फिर जोधपुर की तरफ से निकले, तो अब जोधपुर यहाँ से चल रहे हैं, उसके बाद फिर चला जाएगा उनके गाँव। तो चलिए दोस्तों जोधपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये भैया हैं, ये भैया हमें यहाँ पे ड्रॉप किए हैं और हमारा सपोर्ट भी किए। अब यहाँ से कोई गाड़ी आती है यहाँ से लिफ्ट लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इन भैया के पीछे इधर गांव में ससुराल है, तो आ जाएंगे ससुराल। चलिए दोस्तों गाड़ी आ रही है, लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रक है, ट्रक से उम्मीद ज़्यादा रहती है, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों जोधपुर के लिए तो नहीं लिफ्ट मिली, लेकिन फिलहाल 25-30 किलोमीटर यहाँ से ये भैया हैं अपने साथ लेकर चलेंगे ट्रक पे। देखिए ये भाई लोग 25-30 किलोमीटर इन लोगों के साथ हमारी जर्नी कटेगी। फिलहाल हमारी जर्नी में 25-30 किलोमीटर दूरी कम हुआ, खैर कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इन भैया के साथ और देखिए जोधपुर का रोड है मेरता। दोस्तों ये मेरता जोधपुर मेन हाईवे है, हालांकि रोड बहुत खराब है, इसमें कोई सोचे हम स्पीड बना के चल रहे तो नहीं चल पाएगा। मेरता से 29 किलोमीटर आगे आ गए हैं, काफी रोड खराब है, काफी टाइम लगा यहाँ से जोधपुर जाना है, यहाँ से 93 किलोमीटर जोधपुर है रोड। आप ये देखो यहाँ पे भाई मिले हैं, इतना धूल उड़ा है क्या कहें, भाई मिले हैं। फिलहाल इनके मैकेनिक की दुकान है पीछे और ये देखिए यहाँ की रोड का हाल, काफ़ी ख़राब रोड है, बहुत ही ख़राब एकदम, अभी तक की जर्नी का सबसे ख़राब रोड हमें मिला है। आप जब भी कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, तो उससे उसकी संस्कृति सभ्यता और वहाँ की जो प्रकृति होती है, परंपरा होती है, उससे भी आप परिचित होते हैं। आप भी अपने संस्कृति सभ्यता और प्रकृति परंपरा से उसको कहीं ना कहीं परिचित कराते हैं, जबकि ये होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन जो होता है आगे ले जाकर हमारे लिए, हमारे संस्कृति सभ्यता के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और सबका एक अलग पहचान होती है, उससे अपनी एक यूनिक पहचान होती है, हर एक इंसान को अपनी एक यूनिक पहचान डेवलप करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम आए हैं, फिलहाल इस जगह क्या नाम है, बुरुंदा, इस जगह का नाम बुरुंदा है। और देखिए यहाँ पे ये कुछ अंकल जी लोग मिले और भाई लोग भी भाई बोले भाई लोग बिल्कुल अंकल जी लोग और भाई जी लोग भी हैं, जिन्होंने हमारा कैंपेन देखा, सोचा, समझा और हमारे कैंपेन को सराहा भी। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे हमारी इस जर्नी के बारे में? आपकी जर्नी तो बढ़नी चाहिए जी, आगे जर्नी बढ़नी चाहिए और हमारे संदेश देते रहे। और कुछ कहना चाहेंगे? जोधपुर की तरफ चलते हैं, सामने ए रहा रोड जो कि अभी बहुत ख़राब है, धूल बहुत उड़ रही है, फिलहाल लिफ्ट जैसे मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों काफ़ी परेशान होने के बाद हमें जोधपुर के लिए डायरेक्ट बस में लिफ्ट मिल गई है, ये देखिए ये बस है,
ये लो। तो चलिए दोस्तों कुछ प्यारे लोग के साथ प्यारी सफर जोधपुर के लिए। दोस्तों मेटा से हम 125 किलोमीटर ट्रेवल करके हम जोधपुर आ गए हैं और इस समय हो रहे हैं 5:40, अंधेरा होने वाला है। देखिए हमें फिलहाल इस ब्रिज के उस तरफ जाना है क्योंकि उधर इंदिरा रसोई और रैन बसेरा है, तो वहाँ पे हमें रहने और खाने का स्थान मिल जाएगा, तो कोशिश कर रहे हैं उधर चलने की। फिलहाल हमें यहाँ पे एक प्राइवेट बस में लिफ्ट मिली है जो कि सबसे लंबी थी, नियर अबाउट 85 किलोमीटर की, तो उसके सहारे यहाँ तक हम आ गए हैं ईजी से, ये तो काफ़ी दिक्कत हुई होती। फिलहाल चलते हैं आगे। जोधपुर में बस स्टैंड के पास आ गए हैं, तो फिलहाल यहाँ पे हम इंदिरा भवन और रैन बसेरा ढूंढ रहे हैं और यहीं पे कुछ यहाँ के भैया लोग मिल गए हैं, ये देखिए, जो कि लोग फिलहाल थोड़ा सा उदास हैं क्योंकि इनके एक भैया जी थे और उनकी शायद आज चुनावी विधानसभा में उनकी हार हो गई है, तो जो कि बता रहे काफ़ी अच्छे इंसान हैं, हेल्पफुल इंसान थे, तो इसीलिए तो होता ही है, नॉर्मली चीज़ है भाई, अब क्या कर सकते हैं कोई। और यहाँ पे आज शायद बीजेपी की बहुमत आई है राजस्थान में, तो इसीलिए थोड़ा सा उदास पड़े हैं लोग, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं लोग। देखिए तो भैया आप यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही आप लोग का सपोर्ट करें, भारत भ्रमण के लिए निकले हैं, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं भाई साहब, तो जहाँ भी आपको दिखे इनका सपोर्ट करें, और इन जो भी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं इनका बहुत ही अच्छी सोच है, जैसे ये बता रहे हैं अपनी संस्कृति को लेके चले, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति को लेके चलो, विदेशी संस्कृति के पीछे नहीं भागे, मॉडल जमाना है वो अपनी जगह है, अपनी संस्कृति भी अपनी जगह है, यही कहना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जोधपुर का बस स्टैंड नया बना लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर से, अंदर से तो अच्छा होगा ही जब बाहर से अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो सामने रोडवेज है काफ़ी अच्छा बना है और इधर ही है, इधर ही इंदिरा रसोई है, तो फिलहाल हम नहीं जान पा रहे थे, तीन भैया लोग मिले इनसे पूछे, तो लोग बताएं फिलहाल पीछे ही है, यहीं पे काम करते हैं लोग। या आई एम मनीष सेन स्पीकिंग फ्रॉम जोधपुर गार्ड, ये रोडवेज डिपो है केंद्रीय बस स्टैंड, हमने इनकी मदद की। दोस्तों भैया की इंग्लिश भी कपिल शर्मा की तरह लग रही है। खैर अच्छा जो भी हो कोशिश करनी चाहिए, वेल जो भी हो कोशिश करनी चाहिए। तो फिलहाल भैया कुछ कहना चाहते हैं जी। आपको जोधपुर भ्रमण करने से क्या एहसास हो रहा है, कैसा लग रहा है यार दोस्तों से मिलके? अभी जस्ट हम तो यहाँ पे पहुँचे ही है, अभी पहुँचे ही है, अभी घूमना है अभी। वैसे हम राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं, हर किसी का सहयोग करना चाहते हैं, किसी को भ्रमित नहीं करना चाहते हैं, जो ऐसा भ्रमण कर रहे हैं उनके हम आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिलहाल हेल्प हमें वास्तव में ये सच्चाई है कि यहाँ के लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, दिवाली के बाद से हम यहाँ पे राजस्थान में ट्रेवल कर रहे हैं। ये ब्लू सिटी हमारी राजस्थान की ब्लू सिटी, यहाँ हमारे जोधपुर में मेहमान नवाजी से हर व्यक्ति जो क्षेत्र भागे नवाजा। अच्छा जोधपुर देव भोग के रूप में सबसे पहले रूप में जोधपुर माना जाता है इसी रूप से जी। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे रायकाबाग पैलेस है, इसके जस्ट सामने ये बना हुआ है डिपो केंद्रीय बस स्टैंड, यहाँ के हम गार्ड है मनीष सैन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जोधपुर के साथ ब्लू सिटी कहा जाता है, जोधपुर सूर्य नगरी भी कहा जाता है, सूर्य नगरी। और हम चाहते हैं कि आपका भ्रमण बहुत ही अच्छी तरीके से हो, जिस प्रकार जोधपुर में मिलते हैं उसी प्रकार ऑल ओवर इंडिया में सभी भारतवासी आपका इसी प्रकार सहयोग करें और आपकी जर्नी अच्छी हो, हमारी आपकी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दोस्तों तो यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं यहाँ के जो कि काफ़ी हमारे इस जर्नी को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी हमारा सहयोग और सपोर्ट और क्या कहते हैं कि साथ दे रहे हैं हमारे कैंपेन को, सराह भी रहे हैं क्योंकि हमारा कैंपेन इनको काफ़ी अच्छा लगा। देखिए ये कुछ भैया लोग हैं यहाँ पे, डिपो कैसा लगा आपको? डिपो कैसे लगा आपको? डिपो तो बढ़िया है सर, अच्छा बना है, मस्त। फाइनली इंदिरा रसोई मिल गई और यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, ये देखिए हमें खाना मिला है, कड़ी सब्जी और रोटी। खाना खाते इसके बाद रैन बसेरा ढूंढते हैं रात गुजारने के लिए। जोधपुर बस स्टैंड के पीछे इंदिरा रसोई के ये स्टाफ हैं यहाँ के लोग, ये सामने भैया बैठे हैं, यहाँ पे कूपन देते हैं जिसके बाद
आपको खाना यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ कुछ भैया लोग खा रहे हैं, फिलहाल हम तो खा ही चुके हैं, और ये भैया हैं जो खिला रहे हैं, और ये देखिए ये मैम लोग हैं जो काफ़ी अच्छा खाना बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट खाना ये लोग बनाई थी। तो अभी आप लोग कुछ कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे तो बोले। नहीं, हमें तो राजस्थानी संस्कृति अभी तक बहुत अच्छी लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी जी, हम यहाँ की साथ देखना चाहते हैं, और यहाँ का खाना अच्छा लगा। जी जी, क्या हाँ वो तो जोर सी बात है, 8 रुपये में आता क्या है, फिलहाल उसके हिसाब से बहुत अच्छा खाना रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब इन लोगों से मिल लिए, फिलहाल अब चलते हैं आगे। हम इंदिरा रसोई में खाना खा कर जा ही रहे थे, एक भैया हैं जो कि जोमेटो में काम करते हैं, ये भैया हुआ है, ये भैया हैं, और ये रही उनकी बाइक, आप देख सकते हैं जोमेटो का बैग है। हमें बहुत ही आश्चर्य होता है कभी कभी, जो 500-1000 रुपये का अच्छे से अच्छा खाना लोगों को खिलाते हैं, लेकिन आप सोचिए वो बेचारा वहाँ तो खाना नहीं खा सकता है, जोमेटो उनके लिए खाना उपलब्ध नहीं कराती है। ये भी भाई साहब देखिए दिन भर का 1000-1500 जो भी कमाते होंगे आए, और शाम को आकर यहीं पे इंदिरा रसोई में 8 रुपये का खाना खा रहे हैं। तो आप इस योजना का कितना बड़ा महत्व है कि आप सोचिए, मान लीजिए हम ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए पैसे की दिक्कत, लेकिन जो 500-1000 रुपये कमा रहे हैं उसके लिए ये योजना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं सोचता हूँ ये जो 8 रुपये में बस राजस्थान में नहीं पूरे देश में चलनी चाहिए भोजन की व्यवस्था। जोधपुर में रैन बसेरा शायद है ही नहीं, यहाँ पे लोग इधर से उधर बस कर रहे हैं, परेशान है। 3-4 किलोमीटर के एरिया में चल चुके बस स्टैंड से जोधपुर जंक्शन, इसके आसपास जुट चुके, कहीं रैन बसेरा नहीं मिल रहा है, सभी जगह होटल मिल रहे हैं, धर्मशाला मिले, जो भी पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है, ये रैन बसेरा नहीं है यहाँ पे, भी लगा नहीं है, लेकिन शायद ठंडी पड़ेगी तो लगेगा, अभी ठंडी उतनी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ द्वार घूम रहे हैं काफ़ी, 4-5 किलोमीटर चल चुके हैं, 1 घंटे से इधर उधर परेशान है, बैग लेकर कंधा भी दर्द करने लगा, अब चल रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, कोशिश करेंगे लिफ्ट मिल जाएंगे तो इतने पर चोटीला चल चलेंगे मन्ना जी के गाँव, नहीं तो वहीं पे कहीं सुटेबल स्थान देख कर रुकने का प्रयास करेंगे बस स्टैंड के पास। यहाँ तो बगल में रेलवे स्टेशन है सामने, लेकिन यहाँ पे रुकना उचित नहीं है, फिलहाल बस स्टैंड की तरफ चलते हैं। काफ़ी परेशान थे, घूम रहे थे ऐसे, तो रेलवे स्टेशन के आगे ये भाई साहब मिले, और यह हमें वापस आकर पावटा बस स्टैंड पे छोड़ें, ताकि बस स्टैंड पे ही हम रात गुजार सकें, क्योंकि रहने के लिए कहीं सुटेबल स्थान हमें नहीं मिला, तो इसी बस स्टैंड पे अब यहाँ पे रात गुजारेंगे। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे हमें रात को जब कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी तो इन्होंने लिफ्ट दिया और यहाँ पे छोड़ा, और फिलहाल देखिए बस स्टैंड पे वापस उसी जगह आ गए। जोधपुर बस स्टैंड पे भी वापस आकर परेशान थे, बैठे थे, वहाँ पे जगह भी नहीं मिल रही, सोच रहे क्या करें, फिर हम कहे चलो चलते हैं ओम बन्ना जी के यहाँ, यानी कि चोटीला धाम, जो कि वहाँ से 65 किलोमीटर था, तो यहाँ पे चले आए हैं हम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओम बन्ना जी की, यहाँ पे ओम बन्ना जी का लगा है, श्री ओम बन्ना जी की 35वीं पुण्यतिथि, चलो चोटीला धाम 4 दिसंबर। दोस्तों कल 4 दिसंबर को इनका जागरण होगा, रात को जागरण होगा, और महाप्रसादी का कार्यक्रम जो 5 दिसंबर को होगा। हम सोच रहे थे दूर गांव में होगा, लेकिन जस्ट ये रोड है, और रोड के किनारे ही बन्ना जी का मंदिर है, ये आप देख रहे हैं सजाया गया है, रोड है, रोड के किनारे ये जो लड़ी देख रहे हैं आप, यहीं पे शायद उनकी ये घटना घटी थी। उसके बाद इनका मंदिर इस पेड़ के पास था, तो जब ये रोड का चौड़ीकरण हुआ तो फिर मंदिर इधर शिफ्ट किया गया, प्रेजेंट में मंदिर इधर है, जो कि रोड चौड़ा होने के कारण इधर शिफ्ट कर दिया गया, ये तो उसके पहले इस पेड़ के पास था मंदिर। दोस्तों देखिए ऊपर लिखा गया है जय श्री ओम बन्ना धाम चोटीला, और उनकी प्रतिमा बनाई गई है, उनकी फोटो लगी हुई है, सामने उनका मंदिर है। प्रथम दृष्टया में ये सामने यही नज़ारा है, इनका मंदिर का ये नज़ारा है। तो चलो दोस्तों अंदर मंदिर में चलते हैं और दर्शन इतने टाइम ही करेंगे। दोस्तों बन्ना जी का मेन रोड पर से सामने ही मंदिर है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, और ये देखिए सामने कुछ बॉक्स लगे हैं, उसके बाद ये यहाँ बन्ना जी का दीप हमेशा जलता रहता है 2400 घंटा, और ये सामने उनकी बुलेट है, और यही बनी है,
ऊपर से क्लोज कभी नहीं, इनका मंदिर ओपन है और उनके बुलेट है। जोधपुर से हम इतने टाइम यहाँ पर आकर बन्ना जी के दर्शन भी कर लिए जो कि मेन रोड के बगल में ही है। और बन्ना जी के बारे में कल की वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। फिलहाल आज यहाँ पे हमें यहाँ पे जगह मिल गई है। ये देखिए जस्ट सामने इधर मंदिर है, सामने आगे रोड है और यहाँ की धर्मशाला है। यहाँ पे हमें जगह मिल गई। देखिए हमारे तरह बहुत लोग यहाँ पे सो रहे हैं। रजाई गद्दा मिल गया है यहाँ पर। तो दोस्तों रजाई गद्दा हमें भी मिल गया है। देखिए हम भी यहाँ पे सो रहे हैं, हमारा ये बाइक। आज की नाइट यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर कल की जर्नी देखा जाएगा। तो यहाँ इनके बारे में जो भी है कल की वीडियो में हम आप लोगों को साझा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ओम जय बन्ना जी।